गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 50 क्वेश्चनों की सीरीज, जिस अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए होने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं है, तो जल्दी से कर दें। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की हमारी दूसरी एमसीक्यू, जिसमें हम कल हम आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू लेके आए थे और उसका फुल एक्सप्लेनेशन करवाए थे। इसी तरीके से आज ये हमारा दूसरा एमसीक्यू है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कल के हिसाब से हमने सारे आज हमारा जो एग्रोनॉमी के सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें आज हमारा 41 क्वेश्चन नंबर है, लेकिन ये आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा और आपको हम समझाते रहेंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे वाले आने वाले एमसीक्यू आपको तुरंत मिलते रहें। ठीक है, देन पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, द रिकमेंडेड डोज ऑफ एनपीके एंड पोटेशियम फॉर द व्हीट क्रॉप। व्हीट क्रॉप के लिए कितना एनपीके रिकमेंडेशन डोज होना चाहिए। तो इसमें आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए कि कौन सा आंसर इसमें सही होगा। ए नंबर, नाइट्रोजन की मात्रा 80:40, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा 0 होनी चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा, कितना रिकमेंडेड डोज चाहिए होता है वीट क्रॉप के लिए। इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका बी नंबर सही है, 120, 40 फास्फोरस और 0 पोटास की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एन नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास कंटेंट्स ऑफ डीएपी आर, डीएपी में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी कितनी मात्रा होती है। इसमें आप लोग तो इसमें कोई कुछ कन्फ्यूजन की बात नहीं, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका होगा। सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, जो एनपीके डीएपी होती है उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी मात्रा होगी, जिसमें पोटास की बिल्कुल भी मात्रा नहीं होती, पोटास 0 होती है। तो इसमें 0 वाले कौन कौन से हैं, एक ये है और एक ये है। तो अब नीचे वाले 2 कट गए, कौन से बचे हैं आपके, तो इसमें आप जल्दी से बताइए कौन सा सही होगा, ए सही होगा या बी सही होगा। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है डीएपी में कितनी होती है, नाइट्रोजन की मात्रा जो डीएपी में होती है वो 18 होती है और फास्फोरस की मात्रा होती है वो 46 यानी 46 होती है। तो इसका बी नंबर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी इन राइस कैन बी इंक्रीज बाई, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो इफिशियंसी है राइस में किसके कारण अधिक अधिक बढ़ जाती है, जो नाइट्रोजन की यूज इफिशियंसी है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसके कौन से, सल्फर कोटेड यूरिया डालने से या फिर यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स डालने से या फिर बीजीए से, ब्लू ग्रीन एल्गी इसका फुल नाम होता है, बीजीए के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। कैसे डी नंबर सही होगा, जो यूरिया सुपर ग्रेन्यूल्स होती है ये अगर हम रिड्यूस जोन में यूज़ करेंगे, जो रिड्यूस जोन कहाँ तक पाया जाता है, ये रिड्यूस जोन होता है ये 10 सेंटीमीटर सॉयल के नीचे पाया जाता है, एक से लेकर 10 सेंटीमीटर तक ऑक्सीडाइज जोन होता है राइस फील्ड में। और 10 सेंटीमीटर से अधिक अगर नीचे अगर हम लोग यूरिया का यूज करते हैं तो क्या होता है, वो रिड्यूस जोन होता है, जिसमें नाइट्रोजन प्लांट ज़्यादा अपटेक कर पाते हैं राइस फील्ड के लिए। तो चलिए इसका आंसर क्या कौन सा सही होगा, इसका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ट्रिटिकल इज ए क्रॉस बिटवीन, ट्रिटिकल किसका क्रॉस है जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, ट्रिटिकल किसका क्रॉस है, वीट एंड राई का है या फिर ओट एंड बार्ले का है या वीट एंड बार्ले का या फिर नन ऑफ दीज है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें जो वीट और राई जो क्रॉस है, ये वीट और राई, ये ए नंबर इसका सही होगा। राई ये आप लोग मस्टर्ड वाला जानने होंगे, लेकिन ब्रेसिका स्पीशीज वाला राई नहीं है, ये सीकल सीरियल है, जो सीकल सीरियल होता है इसका क्रॉस करके ट्रिटिकल बनाया गया था। ट्रिटिकल किसने बनाया था, इसको बनाया था रिम्पू ने बनाया था, ट्रिटिकल का क्रॉस किसने कराया था, रिम्पू ने। इसके बारे में आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा फैलडिस माइनर बिलोंग टू द फैमिली, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, फैलडिस माइनर जो होता है किस फैमिली का होता है, आप लोग जल्दी से बताइए कौन कौन से आते हैं, ग्रेमनी का होता है, सोलिनेसी का होता है या फिर मालवेसी का होता है या फिर साइप्रेसी का होता है। फेल्डिस माइनर जल्दी से बताइए इसकी फैमिली क्या होती है, इसकी जो फैमिली होती है
वो इसकी होती है साइप्रस रोटेंडस, साइप्रेसी होती है, साइप्रस रोटेंडस होती है, साइप्रेसी जो फैमिली होती है साइप्रस रोटेंडस की होती है, और जो ग्रेमनी है ये ग्रेमनी फैमिली इसकी होती है। सही क्वेश्चन आंसर इसका क्या होगा, बी नंबर, ग्रेमनी जो होती है फैरडिस माइनर की फैमिली होती है। और जो सोलनेसी फैमिली होती है इसमें कौन कौन सी क्रॉपें आती हैं, इसमें आपकी सोलनेसी फैमिली में आलू, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो एंड ब्रिंजल एंड चिली, ये सारी सोलनेसी कुल में फसलें आती हैं। और मालवेसी कुल में कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती है आपकी लेडी फिंगर और कॉटन, अन्य फसलें आती हैं। आगे बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द नाइट्रोजन लॉस इन राइस कैन बी रिड्यूस्ड बाई द प्लेसिंग NH4 फर्टिलाइजर इन, अभी आप लोगों को हमने बताया जो नाइट्रोजन लॉसेस इन राइस कैन बी रिड्यूस्ड बाई प्लेसिंग नाइट्रोजन NH4 फर्टिलाइजर, राइस में किस NH4 फर्टिलाइजर को किस जोन में हम लोग प्लेस करें तो अच्छा होगा, राइस फील्ड में जो अभी आप लोगों को हम बताया कि एक से राइस में जो क्या होता है जो ऑक्सीडाइज जोन होता है उसकी लिमिटेशन कहाँ से होती है, 1 से 10 सेंटीमीटर होती है ऑक्सीडाइज जोन की, और जो रिड्यूस्ड जोन होता है वो 10 सेंटीमीटर से अधिक पर पाया जाता है रिड्यूस्ड जोन। और रिड्यूस्ड जोन में जब हम लोग नाइट्रोजन का अगर प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो राइस है वो अच्छे से नाइट्रोजन अपटेक कर पाता है, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्राप्त कर लेता है रिड्यूस्ड जोन में। तो इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ बीन मोस्ट सक्सेसफुली इन, ग्रीन रेवोल्यूशन किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, इसका सही आंसर जल्दी से आप बताइए, वीट पोटैटो की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हुआ था, या टी कॉफ़ी की वजह से, या फिर वीट एंड राइस की वजह से, या फिर बार्ले एंड राइस की वजह से, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए, इसका सही आंसर होगा वीट और राइस के द्वारा 1966 से 1967, मुख्यतः 1966 माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर, यहाँ से ही उत्पादन में बदलाव आया वीट और राइस में अधिक प्रोडक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो रिकमेंडेड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन वाज इंश्योर्ड इन, सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, सबसे ज़्यादा अधिक प्रोडक्शन रिकॉर्डेड किसमें किया, कौन से ईयर में किया गया था, तो इसमें इसमें देखिएगा कौन सा ईयर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया था। तो अभी हाल ही में आप लोग पढ़ते जा रहे हैं कि हर हर साल प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है फूड ग्रेन्स में, तो अभी इस समय हम लोगों ने 2021-22 में जो फूड प्रोडक्शन किया था कितना था, वो करीबन 300 मिलियन टन के ऊपर निकल गया है अभी हम लोगों का जो इस समय है। लेकिन इसमें जो आंसर पूछा गया है इसमें कौन सा ईयर है, इसमें आपका सही आंसर कौन सा होगा, इसमें 2011-12 में रिकॉर्डेड प्रोडक्शन मेज़र किया गया था, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 2011-12 में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अकोसी डिजीज़ इन राइस इज़ ड्यू टू द टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाई, अकोसी डिजीज़ जो होता है किसकी टॉक्सिसिटी के कारण होता है, अकोसी डिजीज़ जो होता है किसकी टॉक्सिसिटी के कारण होता है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। जो जो अकोसी डिजीज़ होता है ये हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, आपने आप लोगों ने पढ़ रखा होगा H2S टॉक्सिसिटी, H2S की टॉक्सिसिटी के कारण होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये डिजीज़ एक होता है डिजीज़ होता है ब्रूजोन, इसको क्या करता है नाइट्रोजन कैल्शियम को सॉयल में क्या करता है एक्सचेंज कर देता है, एक्सचेंज कर जो है नाइट्रोजन सॉयल में एक्सचेंज करने की जो कैपेसिटी होती है उसको ये रोक देता है। तो इसका क्या आंसर सही होगा, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट द pH 4 द प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट इज, जो pH 4 है, 4 पे क्या होता है प्रीडोमिनेंट आयनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रेजेंट, फास्फोरस की कौन कौन सी फॉर्म मिट्टी में प्रेजेंट होती हैं, तो HPO4 एंड H2PO4। लेकिन इसके लिए अगर यहाँ पे pH दे दिया है कि 4 pH पे कौन सी फास्फोरस फॉर्म सबसे ज़्यादा उपलब्ध होगी, प्रीडोमिनेंट होगी मतलब, और कौन सी फॉर्म, तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, इसमें कौन सा सही होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिए। टॉक्सिसिटी किसकी अधिक रहेगी, प्रेजेंस किसकी अधिक रहेगी 4 pH तक, तो आप लोगों को हम बता दें कि जो H2PO4 होता है, H2PO4 की मात्रा
जब pH 7 से नीचे जाता है, जब pH 7 से नीचे जाता है तो H2 फोर्स जो फास्फोरस होती है, H2 फोर माइनस वाली फॉर्म जो होती है, ये इस मात्रा में अधिक पाया जाता है जब pH 7 से नीचे जाता है। pH का जब मान 7 से नीचे जाता है तो ये H2PO4 की जो मात्रा है ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है फास्फोरस हमारे सॉयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात करते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट इरिगेशन टू द वीट क्रॉप शुड बी गिवन एट, जो वीट क्रॉप में हम लोग फर्स्ट इरिगेशन करते हैं कौन सी स्टेज पे करते हैं, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। पहले ये तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपको बताते हैं कैसे हम लोग इरिगेशन याद करते हैं कि कैसे कौन कौन से इरिगेशन टाइम पे हमें करना चाहिए वीट में, वीट क्रॉप के लिए कौन कौन से इरिगेशन हमें करना चाहिए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कट लफ, आप लोग याद कर लीजिए, मड, कट लफ मड। तो कट लफ मतलब क्या होता है, सी आर आई स्टेज ये कितने दिन पर की जाती है, 20 से 21 दिन पर की जाती है। सी आर आई स्टेज पे सबसे ज़्यादा इरिगेशन की आवश्यकता होती है, फर्स्ट इरिगेशन सी आर आई स्टेज पे ही किया जाता है। फिर बात करते हैं टिलरिंग स्टेज, टी से होता है टिलरिंग स्टेज, ला से होता है लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, एफ से होता है फर्श, एफ से होता है फ्लावरिंग स्टेज, और मा से होता है मिल्किंग स्टेज, एंड एस से होता है ड होता है, ये ड है ना, तो डी होता है, इसका मतलब डफ स्टेज होता है, मतलब दाना बन गया है डफ स्टेज। इसमें अगर हमें हमारे पास एक एक ही इरिगेशन मतलब एक ही बार हम अगर इरिगेशन कर सकते हैं तो हमें सी आर आई स्टेज पे करना चाहिए, अगर हमारे पास दो इरिगेशन उपलब्ध हैं तो हमें सी आर आई और फ्लावरिंग स्टेज पे, सी आर आई और फ्लावरिंग स्टेज पे इरिगेशन करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फेल्डरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाई यूजिंग, फेल्डरिस माइनर जो होता है वीट किसके कारण कंट्रोल किया जाता है, जो फेल्डरिस माइनर होता है कौन सा वीडिसाइड यूज किया जाता है फेल्डरिस माइनर के लिए, मुख्यतः वीट के लिए, जो फेल्डरिस माइनर के लिए हम लोग कौन सा मुख्यतः वीट के लिए कौन सा हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 240 किस लिए होता है, 240 चौड़ी पत्ती के लिए होता है, लेकिन फेल्डरिस माइनर जो होता है ये होता है पतली पत्ती का वीड होता है, तो इसके लिए हमें आइसोप्रोटीरान की ज़रूरत पड़ती है। आइसोप्रोटीरान की हमें कितनी मात्रा यूज़ करते हैं हम लोग, 0.75 ग्राम पर हेक्टेयर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 30 से 35 दिन पर यूज़ करना चाहिए फेल्डरिस माइनर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेस्ट वेट ऑफ फेल्डरिस माइनर, फेल्डरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है। तो फेल्डरिस माइनर का सीड जो होता है वो छोटा छोटा होता है, तो इसका टेस्ट वेट कितना होता है, इसका टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बात करते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग याद कर रखे होंगे, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड एट, जो डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च है कहाँ पर है, ये सबसे पहले तो हम बता दें आपको, ये सबसे पहले जब खोला गया था तो ये न्यू दिल्ली में था, लेकिन इस समय करंट टाइम में करनाल में है। इसका सही आंसर क्या होगा, करनाल हरियाणा। सबसे पहले 1978 में डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च ICR के थ्रू खोला गया था, लेकिन इसका जो मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, करनाल में प्रेजेंट टाइम है। इसके द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया था, जब प्रोजेक्ट चलाया गया था ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड वीट इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, 1965 में प्रोजेक्ट चलाया गया था न्यू दिल्ली से, लेकिन इसका जो मुख्यालय बनाया गया डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, इसके द्वारा अभी करनाल में इसका मुख्यालय स्थित है, इसका आंसर सी इस नंबर सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम ऑफ नोबेल केन, जो नोबेल केन होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जल्दी से आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, साइंटिफिक नेम ऑफ नोबेल केन। तो आप लोग नीचे से हम स्टार्ट करते हैं, सेकेरम साइनेंसिस, ये किसका नेम है, सेकेरम साइनेंसिस ये होता है चाइनीज केन, सेकेरम साइनेंसिस जो होता है ये होता है चाइनीज केन, और बारबेरी जो होता है सेकेरम बारबेरी ये होता है इंडियन केन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडियन केन।
और जो सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है ये वाइल्ड केन होता है, जंगली वाइल्ड केन। और जो सेकेरम ऑफिसिनेरम होता है ये क्या होता है, ये नोबल केन होता है। सेकेरम ऑफिसिनेरम ये इसको हम लोग नोबल केन कहते हैं। ये मुख्यतः उगाया जाता है, इसके क्रोमोसोम जो इसका 2N नंबर कितना होता है, 80 होता है, तो इसका ए नंबर सही होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेरम ऑफिसिनेरम इज ए नेटिव ऑफ, जो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो हम लोग मुख्यतः उगाते हैं तो इसका नेटिव कहाँ, ओरिजिन प्लेस क्या है, तो इसका ओरिजिन प्लेस है न्यू गुनिया, ए नंबर सही होगा। सेकेरम ऑफिसिनेरम का कौन सा ओरिजिन प्लेस है, न्यू गुनिया। ये तो आप लोगों के लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ सुगर केन, कौन सा है आप लोगों ने क्या पूछ रहा है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ की है सुगर केन की। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो हम बता देते हैं आपको, यूपी में होता है सुगर केन का, और जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है वो तमिलनाडु की है। सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो तमिलनाडु की है, सुगर केन सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु की सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एकरेज एंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सुगर कैन इन कंट्री, कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा, अभी आप लोगों को हम इसका आंसर बताएं, आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी आंसर बताइए कि कौन सा सही होगा, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सुगर कैन कहाँ, कौन सी कंट्री में होता है, कौन से स्टेट में होता है सॉरी, तो इसका कौन सा सही होगा आंसर, आप लोग जल्दी से बताइए। इसका आंसर जो सही होगा उस यूपी, आप लोगों को हम बता चुके हैं इसका सही आंसर यूपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स ऑफ परमानेंट टाइप ऑन सुगर केन सेट्स, जो किस तरीके की रूट्स होती हैं जो परमानेंट सुगर केन में पाई जाती हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, सही से आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या सेट रूट्स होंगी या प्रॉप रूट्स होंगी या फिर ऑल ऑफ दीज होंगी, कौन सा सही होगा, जो जो सूट रूट्स होती हैं यही परमानेंट टाइप ऑन सुगर केन सेट्स होती हैं, सूट रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इन्फ्लोरिसेंस ऑफ सुगर कैन इज नोन एज, आपको हम लोग पिछले क्वेश्चन में जब आप लोगों को करवा रहे थे उसमें सभी के इन्फ्लोरिसेंस के बारे में हमने बात की थी, तो सुगर के इन्फ्लोरिसेंस को क्या कहते हैं, तो सुगर कैन के इन्फ्लोरिसेंस को क्या कहते हैं, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रिशिमोज, ये रिशिमोज किसके किसका होता है आप लोग जल्दी से बताइए, पहले आप लोग आंसर दीजिए सुगर के इन्फ्लोरिसेंस क्या होता है, रिशिमोज जानते हैं आप लोग किसका होता है, इसी में जो होता है इन्फ्लुएंस ये मस्टर्ड और रेडिस का होता है रिसीमोज। नेक्स्ट जो कैप्टुलम होता है ये किसके लिए होता है, कैप्टुलम ये मुख्यतया कंपोजिटी फैमिली के जितने भी फ्लावर्स होते हैं उनके इन्फ्लुएंस को कैप्टुलम कहते हैं। पेनिकल तो आप लोगों को हम कल बता ही चुके हैं, पेनिकल क्या होता है, पेनिकल राइस का होता है इन्फ्लुएंस। और जो सुगर केन के इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। जब जब सुगर पेन में ऊपर फ्लावरिंग होने लगती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुगर पेन में जब फ्लावरिंग होने लगती है तो उसको हम लोग एरोइंग कहते हैं। इसी से आप लोग याद कर लीजिए कि सुगर केन के इन्फ्लुएंस को एरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेस्ट सुइटेड टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ सुगर केन लाइज बिटवीन, कौन सा टेम्परेचर सबसे अच्छा होता है सुगर केन प्रोडक्शन के लिए, तो सबसे अच्छा टेम्परेचर जो होता है 26 से 32 डिग्री सबसे अच्छा सुगर केन प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर माना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है, AICRP ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सुगर केन कब स्टार्ट किया गया था, ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन सुगर केन कब स्टार्ट किया गया था, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर, क्या 1959 में स्टार्ट किया गया था या फिर 1960 में या 1970-71 में या फिर 1985-86 में, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, 1970 में सबसे पहले सुगर केन के लिए ऑल इंडिया क्रॉप रिसर्च प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था 1970 में, ये IAR के द्वारा स्टार्ट किया गया था ये, लेकिन ये सबसे पहले कहाँ पे इसका बनाया गया मुख्यालय, इसके लिए लखनऊ में IISR सुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला गया लखनऊ में इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1970-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अधशाली शुगर केन इज प्लांटेड इन, अधशाली शुगर केन की बुआई कब की जाती है, कब प्लांटिंग की जाती है अधशाली शुगर केन के लिए, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, क्या जुलाई अगस्त होगा या जनवरी फरवरी होगा या फरवरी मार्च होगा या अक्टूबर नवंबर होगा, आप लोग जल्दी से आंसर करके बताइए। तो जो अधशाली शुगर केन की जो बुआई होती है
वो हम लोग कब करते हैं अधिसाली की, तो हम लोग जून जुलाई में करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को आंसर बताना है जल्दी से, क्या होता है जून जुलाई में अधिसाली सुगरकेन की बुआई करते हैं। और जो इकसाली सुगरकेन होता है, इकसाली सुगरकेन होता है, उसकी जो बुआई हम लोग कब करते हैं, उसकी बुआई हम लोग जनवरी फरवरी में करते हैं। और एक और होता है ऑटम प्लांटिंग, जिसको हम लोग कब करते हैं, ऑटम प्लांटिंग हम लोग करते हैं अक्टूबर में। ये नॉर्थ इंडिया में प्लांटिंग की जाती है ऑटम प्लांटिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमने बताया कि जून जुलाई होता है, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है, जून ही सिर्फ दिया है, इसकी जगह पे अगस्त कर दिया गया है। तो इसका ए नंबर सही होगा, जून और जुलाई और अगस्त भी माना जा सकता है इसके लिए, नियरेस्ट माना जाता है कौन सा आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बात करते हैं, द टॉप पोर्शन ऑफ सुगर कैन शुड बी सिलेक्टेड फॉर सीड पर्पज बिकॉज बड टिश्यू आर रिच इन, कौन किस कि जो बड टिश्यू होते हैं किस किसकी अधिकता उसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जल्दी से आप लोग बताइए, क्या सुक्रोज की अधिक मात्रा होती है बड टिश्यू में, या फिर गैलेक्टोज की होती है, या फिर माल्टोज की होती है, या फिर ग्लूकोज की होती है। जो बड टिश्यू हम लोग यूज करते हैं उसमें सबसे सर्वाधिक मात्रा ग्लूकोज की पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर शुगर ट्रांसलोकेशन इन शुगर कैन, शुगर को ट्रांसलोकेशन में कौन सा एलिमेंट मदद करता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, शुगर केन को ट्रांसलोकेशन में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन इज क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए कौन सी ग्रोथ सबसे अच्छी रहती है, जिसमें हम लोग इरिगेशन करते हैं, जो इरिगेशन शुगर केन में हम लोग करते हैं, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। इसमें जो होती हैं जर्मिनेशन स्टेज होती है, फिर ग्रांड ग्रोथ फेज होता है, फिर फॉर्मेटिव स्टेज होती है, फिर अराइवनिंग स्टेज होती है। जो शुगर केन में स्टेजेस पाई जाती हैं इरिगेशन में, सबसे अच्छी कौन सी इरिगेशन करने के लिए होता है, तो इसमें हम लोग जो इरिगेशन करते हैं जो फॉर्मेटिव स्टेज में करते हैं। इसका सी नंबर सही होगा आंसर, फॉर्मेटिव स्टेज पे हम लोग करते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट क्रिटिकल वीड कंपटीशन पीरियड अप टू मंथ्स आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग एग्जिस्ट इन शुगर केन, कौन से पीरियड में सबसे ज़्यादा वीड आते हैं शुगर केन में, सबसे ज़्यादा शुगर केन जो होता है सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे, कितने दिनों के ट्रांसप्लांटिंग के बाद में सबसे ज़्यादा वीड्स शुगर केन की क्रॉप में लगते हैं, जमते उगते हैं, या फिर जल्दी से बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कितने दिनों पे, आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग 4th मंथ पे सर्वाधिक वीड होते हैं, तभी हम लोग क्या करते हैं, जो शुगर केन होती है उसमें हम लोग 4th मंथ पे ही सबसे ज़्यादा गुड़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। मोस्ट कॉमन हर्बिसाइड यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन शुगर केन, कौन कौन से वीड कंट्रोल के लिए शुगर केन में हम कौन कौन से हर्बिसाइड यूज़ करते हैं, देखिए सिमेजिन है, एट्राजिन है, या फिर एलाक्लोर है, बताइए आप लोग कौन सा हर्बिसाइड हम लोग यूज करते हैं शुगर केन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इस शुगर केन में हम लोग ये तीनों हर्बिसाइड यूज करते हैं, सिमेजिन भी यूज करते हैं, एट्राजिन भी यूज करते हैं, और एलाक्लोर भी हम लोग यूज करते हैं। एट्राजिन जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताइए, एट्राजिन जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, एट्राजिन का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो प्री इमर्जेंस में करते हैं, सिमेजिन और एलाकोर, इस ये तीनों जो होते हैं इसमें कौन सा सही होगा, ये तीनों हमारे शुगर केन में वीड कंट्रोल के लिए काम करते हैं, इसका इसीलिए इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर केन इज, सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कौन सा है शुगर केन का, इसमें से जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताते रहिए, रेड स्ट ब्रेड रॉट या स्मट, इसमें जो मोस्ट सीरियस डिजीज़ होता है वो होता है रेड, इसमें शुगर केन का मोस्ट सीरियस डिजीज़ होता है वो माना जाता है रेड रॉट, रेड रॉट सबसे ज़्यादा सीरियस डिजीज़ है, बाकी तो सारी सारी डिजीज़ हैं शुगर केन के, लेकिन सबसे ज़्यादा सीरियस जो होता है वो रेड रॉट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाउ मैनी सेट्स आर नीडेड टू प्लांट 1 हेक्टेयर ऑफ शुगर केन, एक हेक्टेयर में कितने सेट्स प्लांट हम लोग शुगर केन के यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा बताइए आप लोग जल्दी से, ए नंबर सही होगा, बी नंबर सही होगा, सी या डी, 30,000 से 35,000, 30,000 से 35,000, 35,000 से 40,000, 40,000 से 45,000, 50,000 से 55,000। तो इसका जो सही आंसर होगा 35,000 से 40,000 सेट्स ए पर हेक्टेयर हम लोग यूज करते हैं शुगर केन प्लांटिंग के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रेंच मेथड ऑफ शुगर केन प्लांटिंग इज यूज इन, ट्रेंच मेथड जो सबसे ज़्यादा कहाँ से यूज किया जाता था मुख्यतः, अब तो ट्रेंच मेथड हर जगह पर यूज किया जाने लगा है, पूरे इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी ट्रेंच मेथड से खेती शुगर केन प्लांटिंग की जाने लगी है, लेकिन मुख्यतः कहाँ की जाती है, सबसे पहले कोस्टल एरियाज़ में ट्रेंच मेथड का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था स्टार्टिंग में, कोस्टल एरियाज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कोस्टल एरियाज में अभी भी सर्वाधिक ट्रेंच मेथड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस, विथ टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर केन, अगर नाइट्रोजन को अधिक हम यूज कर देंगे शुगर केन में अधिक मात्रा में, तो शुगर कंटेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो शुगर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, शुगर में डिक्रीज होने लगेगी, शुगर क्या इफेक्ट पड़ेगा, शुगर डिक्रीज होने लगेगी, इसका ए नंबर आंसर सही है, अगर हम लोग नाइट्रोजन की अधिक मात्रा यूज करेंगे शुगर केन पे, तो इसका ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है देखते हैं, एपिकेनिया मेलानोल्युका इज ए पेस्टिसाइड इफेक्टिव एजेंट, जो एपिकेनो मेलानोल्युका जो होता है पेस्टिसाइड किसके लिए अगेंस्ट इफेक्टिव करता है, तो एपिकेनिया मेलानोल्युका क्या होता है, शुगर केन स्केल के होता है, या राइस मिली बग के लिए होता है, फिर शुगर केन पायरिल्ला के लिए होता है, तो जल्दी से आप लोग बताइए, पैरासिटॉइड है ये एपिकेनिया मेलानोल्युका, ये किसके लिए होता है, ये शुगर केन पायरिल्ला के लिए होता है, एपिकेनिया मेलानोल्युका शुगर केन पायरिल्ला, इसका सी नंबर सही होगा, इसका सी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट इन क्रॉप वेराइटी शोइंग हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस टू ए पैथोजन बट बिकमिंग ससेप्टिबल टू इट आफ्टर लार्ज स्केल कल्टिवेशन फॉर 4 to 5 years। अब आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप रेसिस्टेंस इज प्रेजेंट इन ए क्रॉप वेराइटी शोइंग हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस, हाई डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस किस में होता है, टू ए पैथोजन बट becoming susceptible to its after large scale cultivation, तो इसका सही आंसर क्या होगा, vertical resistance, horizontal resistance, या फिर durable resistance, या फिर general resistance। तो आप लोगों को हम बता दें, horizontal resistance होता है वही general resistance भी होता है, दोनों का नाम सेम है, horizontal resistance और general resistance को सेम बोलते हैं, तो ये वाला आपका आंसर कट जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। vertical और horizontal resistance होता क्या है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि वर्टिकल रेसिस्टेंस क्या होता है और हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस क्या होता है। वर्टिकल रेसिस्टेंस वो होता है जिसमें क्या कितने इसमें क्या होता है, वर्टिकल रेसिस्टेंस में सिंगल जीन के द्वारा रेसिस्टेंस होता है, सिंगल जीन इफेक्ट करता है इसमें, वर्टिकल रेसिस्टेंस है तो इसमें क्या होगा, सिंगल जीन रेसिस्टेंस होगा, सिंगल जीन रेसिस्टेंस करता है, इसके लिए क्या होता है रेसिस्टेंस सिंगल रेसेस ओवर स्ट्रेंस, इसमें क्या होता है एबिलिटी यूज कंट्रोल वन ओवर फ्यू जीन होते हैं, सिंगल जीन भी होता है या कुछ और जीन हो सकते हैं, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है इसमें कितने जीन करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रिवेंटिंग सक्सेसफुल अटैक बाय कॉल्ड जनरल, इसमें क्या होता है बहुत सारे जीन इफेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वर्टिकल रेजिस्टेंस, इसका ए नंबर सबसे ज़्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड ग्रेन इज मोस्ट कोर्स, तो कौन सा जो ग्रेन है मोस्ट कोर्स में लिखा जाता है, जो आप लोग तो नाम से ही जानते होंगे, पहले पैनिकम मिलेनिकम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैनिकम मिलिएसियम, ये क्या होता है, ये होता है प्रोशो मिलेट होता है, प्रोशो मिलेट, जो इकाइनोक्लोवा फ्रोमेंटेसिया जो होता है ये क्या होता है, ये होता है शावा मिलेट, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये होता है शावा मिलेट, फिर होता है सेटेरिया इटेलिका, ये क्या होता है, ये होता है फॉक्सटेल मिलेट, सेटेरिया इटेलिका क्या होता है, फॉक्सटेल मिलेट होता है, और ये जो होता है पैसपेलम स्क्रोबिकुलेटम, इसको क्या हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोदो मिलेट,
तो इसमें से जो जो ये मिलेट्स हैं, जो सीरियल्स हैं, ये ग्रेन्स हैं, इसमें सबसे मोटा अनाज कौन सा होता है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसमें कोदो है, आप लोगों को याद होगा जब हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, जब जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, जब 1966 के पहले सबसे ज़्यादा कोर्स मिलेट के रूप में कौन सा यूज किया जाता था, कोदो। हम लोग राइस की जगह पे यूज करते थे सबसे ज़्यादा कोदो का प्रयोग। इंडिया में सबसे ज़्यादा कोर्स मिलेट के रूप में कंजप्शन होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैस पेलम स्क्रोबिक स्क्रोबिकुलेटम, पैस पेलम स्क्रोबिकुलेटम। तो इसका क्या आंसर सही होगा, डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, कौन सा इसमें नहीं मैच है। बाजरा में कौन सी क्रिटिकल स्टेज पे हम लोग इरीगेशन करते हैं, ईयर हेड पे, ये तो बिल्कुल सही है। कॉटन में हम लोग किस टाइम पे सबसे ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत होती है, तो कॉटन में जब हम प्री फ्लावरिंग होती है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इरीगेशन किया जाता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इरीगेशन की। फिर वीट में सबसे ज़्यादा इरीगेशन किस टाइम पे ज़रूरत होती है, तो वीट में हम लोग क्राउन रूट इनिशिएशन पे करते हैं। लेकिन ग्राउंड नट में हम लोग किस टाइम पे करते हैं, इसका ये वाला गलत आंसर होगा, क्योंकि बाड डेवलपमेंट में हम ग्राउंड नट पे इरीगेशन सबसे ज़्यादा मुख्यतः नहीं होता है। इसके लिए कौन सा होता है, ग्राउंड नट के लिए बताइए आप लोग जल्दी से क्या होता है, पेगिंग के टाइम पे करते हैं। ग्राउंड नट में हम लोग इरीगेशन करते हैं, तब हम लोग पेगिंग के टाइम पे सबसे ज़्यादा इरीगेशन की ज़रूरत पड़ती है ग्राउंड नट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, चलिए आप लोग जल्दी से बताइए। कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग लीफ इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट, जो फ्लैग लीफ होती है तो उसमें फ्लैग लीफ का कंट्रीब्यूशन कितना रहता है फोटोसिंथेसिस में। आप लोग सबसे पहले तो यही नहीं जानते कि फ्लैग लीफ होती क्या है, तो आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए कि फ्लैग लीफ क्या होती है। फ्लैग लीफ वो कहलाती है जो, जैसे ये राइस का प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर नीचे निकली होती हैं कुछ लीफ, यहाँ ऐसे निकली होती हैं, फिर यहाँ पर निकली होती हैं। तो ये जो लीव्स होती हैं जो ऊपर से आती हैं, तो ये वाली जो लीफें जो हल्का सा नीचे झुकी होती हैं उनको हम लोग फ्लैग लीफ कहते हैं। तो इनका कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस में, ये आप लोगों को पता, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इसमें जो इनका परसेंटेज होता है वो 52% इनका फोटोसिंथेसिस में कंट्रीब्यूशन होता है, इसका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू बोथ एक्सेस मॉइस्चर एंड ड्रॉट, कौन सी क्रॉप है जो दोनों के प्रति सेंसिटिव है बहुत। तो आप लोग देखिए, बात करिए बढ़ते हैं कौन कौन से हैं इसमें। डायरेक्ट सीडेड राइस, क्या डायरेक्ट सीडेड राइस को हम लोग ड्रॉट में उगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं उगा सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। फिर बात करते हैं सनफ्लावर की, सनफ्लावर जो होता है क्या हम उसको एक्सेस मॉइस्चर में उगा सकते हैं, तो ये सेंसिटिव हो जाएगी, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। शोरगम, ये भी मॉइस्चर के प्रति सेंसिटिव हो जाएगी, लेकिन मेज जो है ये दोनों में उगाई जा सकती है, मेज जो इसका सही आंसर होगा। ये एक्सेस मॉइस्चर में भी हम लोग हल्का सा उगा सकते हैं और ड्रॉट के लिए भी सेंसिटिव मानी जाएगी, दोनों के प्रति सेंसिटिव है ये। और ये बाकी सब क्रॉपें जो हैं ये किसी, या तो फिर ड्रॉट के लिए सेंसिटिव हैं या फिर मॉइस्चर के प्रति सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एट्राजीन यूज्ड एन एंट्री ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, एट्राजीन किसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंट में। तो आप लोगों को हम बता दें कि एंटी ट्रांसपेरेंट होते क्या हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कितने प्रकार के पाए जाते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट चार प्रकार के होते हैं, पहले कौन कौन से होते हैं, पहले होते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप के। ये पूछा गया कि एट्राजीन किस टाइप का है, तो एट्राजीन, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें क्या होता है, रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, ये क्या ये सही होगा। फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम प्लांट लीव सरफेस, क्या इसका ये सही होगा। अफेक्ट द क्लोजर एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, तो जो एट्राजीन होता है कौन सा होता है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए, ए है कि बी है या फिर सी है इसका सही आंसर। तो एट्राजीन जो होता है वो क्या होता है, वो स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है, तो इसका सी नंबर सही होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि जो होते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट कितने प्रकार के होते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट होते हैं चार प्रकार के। एक होते हैं स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में,
जो क्या करते हैं स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आता है एट्राजीन होता है और पीएमए आता है, फेनिल मर्क्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। और सेकेंड नंबर पे कौन से होते हैं, सेकेंड नंबर पे जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप, सेकेंड नंबर पे आते हैं फिल्म फॉर्मिंग टाइप। फिल्म फॉर्मिंग टाइप में कौन से होते हैं, मोबाइल लीफ होते हैं, मोबाइल लीफ आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा, एक होता है हेक्सागोनल या फिर सिलिकॉन यूज करते हैं हम लोग मोबाइल लीफ में, सिलिकॉन या फिर वैक्सेस यूज करते हैं या फिर ऑयल यूज करते हैं, इतनी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है एंटी ट्रांसपेरेंट में रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप मतलब ये पत्तियों के ऊपर एक तरीके की परत जमा देते हैं और फिर क्या होता है जो जो सनरेज है ट्रांसपेरेंट के लिए, ट्रांसपेरेशन के लिए क्या होता है ऊपर सनरेज की गर्मी, जब अधिक गर्मी पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देते हैं, सनरेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं सनरेज को, इससे क्या होता है ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाता है। जिसमें कि कौन सा आता है एंटी ट्रांस रिफ्लेक्टिंग टाइप में, कैओलिन का यूज करते हैं हम लोग। नंबर 4 पे कौन सा होता है एंटी ट्रांसपेरेंट, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट। ये क्या काम करता है, ये जो होता है ये सूट ग्रोथ को रुक कम कर देता है और रूट ग्रोथ को बढ़ा देता है। इसमें कौन सा होता है, इसमें हम लोग साइकोसेल का यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है साइकोसेल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर शेड्यूल इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, कौन सा तरीका इसमें से आपका आंसर सही होगा, क्या फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ बोथ द मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, इसका कौन सा सही होगा आप लोग जल्दी से बताइए, फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड हाफ हाफ इंटरक्रॉप, या फिर इसका सी नंबर सही होगा हाफ रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप एंड इंटरक्रॉप, या फिर फुल रिकमेंडेड डोज ऑफ मेन क्रॉप, जो हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो जिसके लिए हम फर्टिलाइजर का डोज देते हैं, जो मेन क्रॉप के लिए ही हम लोग फुल डोज ऑफ रिकमेंड करते हैं, जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसके लिए हम कोई किसी भी तरीके का नहीं यूज करते हैं फर्टिलाइजर फर्स्ट टाइम पे, तो इसका डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, द कैपेसिटी ऑफ सॉयल टू रेसिस्टेंट अप्लीकेबल चेंजेस इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड, इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं, सीएसई होगा या बफरिंग कैपेसिटी होगा या फिर परसेंटेज बेसिस सेचुरेशन होगा या फिर एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। तो जो कैपेसिटी ऑफ सॉयल रेसिस्टेंस किसके प्रति होती है, चेंज होती है वैल्यू, तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर होगा बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी जो क्या होती है, ये अप्लीकेबल होती है पीएच चेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है, मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉयल मेक यूज ऑफ, मैकेनिकल एनालिसिस में कौन सा हम लोग लॉ यूज़ करते हैं मैकेनिकल एनालिसिस के लिए, जो मैकेनिकल एनालिसिस के होता है आप लोग जल्दी से आंसर बताइए क्या होता है, डॉर्सी लॉ यूज़ करते हैं या फिर स्कोफील्ड लॉ यूज़ करते हैं या फिर स्टॉक्स लॉ यूज़ करते हैं या फिर ओहम्स लॉ यूज़ करते हैं, इसके लिए जो प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सॉयल के लिए, जिसका काम क्या होता है सॉयल के पार्टिकल का एनालिसिस किया जाता है, उसमें कौन सा फार्मूला कौन से लॉ यूज किया जाता है, स्टॉक्स लॉ का यूज किया जाता है मैकेनिकल एनालिसिस के लिए सॉयल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग ज्योमेट्री इज रिकमेंडेड टू ऑप्टिमाइज सिस्टम प्रोडक्टिविटी इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इन सेमी एरिड एंड सम ह्यूमिड इकोसिस्टम, किस प्रकार का हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है क्रॉपिंग सिस्टम की, तो नॉर्मल प्लांटिंग ऑफ इंटरक्रॉपिंग बिटवीन टू रोज और नॉर्मल प्लांटेड मेन क्रॉप्स, या फिर स्केबल रो प्लांटिंग, या फिर रो ऑफ मेन क्रॉप एंड टू रो क्रॉप इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, या फिर फर्रो और मेन क्रॉप क्रॉप एंड वन रो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, इसमें आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कौन सा सही होगा, जो जो प्रोडक्टिविटी और इंटरक्रॉपिंग सेमी एरिड हो सब ह्यूमिड इकोसिस्टम के लिए बेस्ट रहे, तो इसके लिए जो आंसर सही होगा बी नंबर, स्किप रो प्लांटिंग सिस्टम सबसे सही माना जाता है, इसका सही आंसर बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग क्या है देखते हैं, ह्यूमिक एसिड इज फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस विच इज, जो ह्यूमिक एसिड होता है वो क्या होता है, जो ह्यूमिक एसिड होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ह्यूमिक एसिड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है,
तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो देखिए क्या है इसमें, कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सही होगा। सॉल्युबल इन एल्कली एंड एसिड, क्या ये वाला सही होगा, जो ह्यूमिक एसिड होता है सॉल्युबल होता है एल्कली और एसिड दोनों में, या फिर इसका बी नंबर सही होगा सॉल्युबल इन एल्कली एंड इनसॉल्युबल इन एसिड, या फिर इसका सी नंबर सही होगा इनसॉल्युबल इन एल्कली एंड सॉल्युबल इन एसिडिक। जो ह्यूमिक एसिड होता है जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये बेस में सॉल्युबल होता है और एसिड में इनसॉल्युबल होता है। तो इसमें बेस कौन कौन से होंगे, एल्कली जो होता है ये बेस होता है और एसिडिंग में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसका बी नंबर बिल्कुल सही माना जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाई अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैटिक ओवर ए सॉयल क्ले विदाउट डिस्टर्बिंग ओवर चेंजिंग द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल इज टर्म्ड एज, क्या कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाई अनदर एटम, सिमिलर साइज का जो प्रोसेस होता है वन एटम से अनदर एटम में, अगर उसको चेंज करने के लिए हो तो इसका कौन सा सही होगा, आयन एक्सचेंज कहलाएगा, या फिर आइसोमेरिक एक्सचेंज कहलाएगा, या फिर आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा, या फिर पॉलीमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर माना जाएगा सी वाला, इसका सी नंबर आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। क्योंकि इसमें देख लीजिए, अब क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, अनदर एटम ऑफ सिमिलर साइज इन ए क्रिस्टल लैटिक और सॉयल क्ले विदाउट डिस्टर्बिंग एनी चेंजेस ऑफ क्रिस्टल्स, तो इसके लिए आइसोमॉर्फिक सिचुएशन मुख्यतः मानी जाती है। तो इसका डी नंबर सी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन बहुत हैं, नेक्स्ट हम फिर मिलते हैं आपको कल अगले 50 क्वेश्चन लेके। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले क्वेश्चन के लिए कल हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।